Assalamualaikum, welcome to another superly amazing and delicious video once again. आज हम last video में हमने किया था बिरयानी का comparison. बिरयानी बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे पता है बहुत famous बिरयानी नहीं थी. मैं just cheap और expensive try करना चाह रहा था, वो मैंने आपको दिखा दी है. इंशाल्लाह next episode करेंगे उसके ऊपर भी, जो authentic बिरयानी है लाहौर की वो आपको सारी की सारी दिखाऊंगा कि बिरयानी की ऑप्शन आपको लाहौर में क्या क्या मिल सकती है, ये सारी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह. आज हम करने लगे हैं ब्रोस्ट का चैलेंज. ब्रोस्ट में हम चेक करेंगे तीन ब्रोस्ट चेक करेंगे. एक लाहौर ब्रोस्ट है जो कि काफी पुराना है लाहौर का, एक यासिर ब्रोस्ट है वो भी काफी पुराना है लाहौर का, जो लाहौर में ब्रोस्ट मिलते हैं. और एक आता जो है ना, काफी सारे नए ब्रोस्ट खुल गए हैं, उनको बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से कोई एक आता जो भी हमें एक्सेसिबल होगा, जो भी हमें अवेलेबल होगा उसको ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. तो अभी हम चलते हैं यासिर ब्रोस्ट पे और लाहौर ब्रोस्ट से, वहां से एक एक पिक करते हैं और फिर एक ऑफिस जाके फिर एक ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर करके हम एक मंगवा लेंगे. तो अभी हम पहले अपने ब्रोस्ट पे चलते हैं, वहां से पिक करते हैं उसको. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, यार गड्डी कभी तो आ भी लिया करो, गड्डी गंदी की थी. जैसे कि ये देखो ना, ये निशान पड़े हुए ना, ये लाइक ये गंदा हुआ है, ये गंदा हुआ है, फिर यहाँ से ये गंदा हुआ है. तो भाई ये मैंने खुद ही रखा हुआ ताकि आप लोग ये ना कह सके कि यार गड्डी चेक कर, ऐसे नजर लग जाती है. आप लोग कहेंगे यार गड्डी गंदी गड्डी रखी हुई है, जब आप ऐसे कहेंगे ना तो फिर नजर नहीं लगती. अच्छा ये मजाक था, मुझे गाड़ी धुलवाना वाली हो गई. मैं जब निकला था घर से तो मैंने ये लॉर ब्रोस आपके सामने मैंने पिक किया था, और यासिर ब्रोस मैंने पिक किया था, और तीसरा हमने कहा था कि हम कोई अच्छा ब्रांड है जो आजकल चल रहे हैं, मतलब लाहौर में काफ़ी नए ब्रांड्स आ गए हैं, काफ़ी नए नाम आ गए हैं. तो उनमें से एक हमें जो मिला है वो ये ब्रोस्टर्स है. दो तीन और ऑप्शन मैंने देखी थी वो, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं, गुलबर्ग में अवेलेबल नहीं है. वो जोहो टाउन में रायवन रोड पर और माल रोड पर अवेलेबल है, लेकिन गुलबर्ग में जो अवेलेबल ऑप्शन थे वो ये ब्रोस्टर्स चिकन है. ये हमें मिला है 940 का, ये भी मिला है 940 का. इन दोनों को कंपेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि दोनों लाहौर के बहुत पुराने ब्रांड्स हैं, बहुत पुराने ब्रोस्ट हैं. बिलाल जब चूसनी लेता था तो उस टाइम भी लाहौर ब्रोस्ट मौजूद था, और जब मैं चूसनी नहीं लेता था तब भी यासिर ब्रोस्ट मौजूद था. और अब जो है लेटेस्ट ज़माना आ चुका है, और सारे के सारे अलबैक से कंपेरिजन करने के चक्कर में उसमें मसाला तुन देते हैं, और उन्होंने उनमें से एक ब्रोस्टर्स है इसको बारी बारी चेक करेंगे. ये हमें मिला है 1210 रुपए का, तीनों हाफ के अंदर है, हाफ हाफ हाँ. हाफ ब्रोस्ट. अभी मैंने चूसनी उतारी है और साथ ही में ब्रोस्ट पे आ गया. वाह थैंक यू. पहले कहाँ चेक करें? अच्छा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि लाहौर ब्रोस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस मेरे कहते हैं कि यासिर ब्रोस्ट ज़्यादा अच्छा है. लेकिन हम इसको दोबारा चेक करेंगे. जोर से लगा मारा. चलो माशाल्लाह यार ये देखो, लो जी ये ब्रोस्ट है, ये लत का पीस है, ये चेस्ट का पीस है, और ये भी चेस्ट, अच्छा ये थाई का पीस है, सॉरी ये चेस्ट का पीस है पूरा. मतलब yes. उन्होंने आधी मुर्गी हमें यूं लंबाई में काट के दी ऐसे करके, बिल्कुल ठीक है, आधी उन्होंने कहीं और दी. और साथ में ना ये, अच्छा बन है जो भी है, ये जो है ना. अच्छा बड़े लोग ना, मुझे शुरू में कन्फ्यूजन रहती थी इस बारे में कि यार ये ब्रोस्ट के साथ इसको देने का क्या तुक बनता है, वो भी ड्राई दोनों चीज़ें ड्राई और समझ कुछ नहीं आता. लेकिन जब से मैंने खाना शुरू किया ना इसको साथ लगा के, आपको बहुत मज़ा आता होगा, बहुत मज़ा आता है. पहले स्लाइस देते. अच्छा इसमें साथ हमें इन्होंने हमें ये थोड़े से चिप्स भी दिए हैं, यार चिप्स मजे के. अच्छा यार थोड़ी सी ना भूख भी लग रही. ये है जी लाहौर ब्रोस्ट का चिकन, ये इसकी स्किन है, और ये जो है ना यहाँ से ये देखो, ये इसके अंदर कोई मसाला मसूला नहीं फिर होता. ये जो है हमारा लाहौरी स्टाइल है, और इसमें मतलब के कोई वो नहीं आता वलबैक टाइप, जो अंदर मसाले जो इंजेक्ट किए होते हैं ना वो इसके अंदर नहीं आते, तो ये सिंपल ही होता है. तो इसको पहले सिंपल ट्राई कर लेते हैं. सिंपल ट्राई करें, खाओ. बिस्मिल्लाह, यार मज़े का लग रहा है. काफ़ी अच्छे बात खाता है. हाँ काफ़ी अच्छे बात खाया, लेकिन मज़े का लग रहा है. अच्छा इसमें एक जो चीज़ है ना, एक तो ये जो मतलब लेग वाला पीस इन्होंने दिया, तो लेग वाला पीस इन्होंने ड्राई नहीं है, ये अच्छी बात है. अब चेस्ट वाला पीस से चेक होगा कि मतलब ये ड्राई रहता है कि नहीं रहता. और इसमें मज़े की बात ये भाई, जो स्किन वाला पार्ट ना भाई, पूरी पूरे बॉडी के अंदर ना, पूरे जो गोश्त होता है ना, पूरा सारे गोश्त में सबसे जो मज़े का पार्ट होता है वो स्किन वाला होता है. थैंक यू, मेहरबान हुआ है बंदा मेरे पे.
میں ہلکی سی ہے اسمیل مجھے آئی ہے بعد میں آئی ہے. ناؤ لیٹس ٹیک این اپنے ممبئی. ہم یہ کریں گے کتنا فریش ہے گا یار. یہ چیک کرو ذرا یہ والی ڈال لے. اور یہاں سے یہ چیس کا پیس لیتے ہیں تھوڑا. یہاں سے چیس کا پیس لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ آئے گی اسکن. اور یہاں سے تھوڑا سا ہم لیں گے یہ پیس بوٹی کا. جتنا زور لگ رہا ہے نا نظر آ رہا ہے کہ ڈرائے گا. اوپر آئے گی اس کی کیچپ. او ماشاء اللہ رک جا ایسے رک جا. ساتھ میں نا اس کے یہ آلو. ہاں بس کر کوئی بات. دس از دی آپٹیمم بائٹ آف لارڈ بروس کا بروس. یار ویسے نا ایک بات بتاؤں, کھانے کے لیے اچھی چیز ہے 940 میں ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ان کا جو چکن ہے نا تھوڑا سا یہ چیسٹ والا پیس ہے نا تھوڑا ڈرائی ہے. تھوڑا واوی ڈرائی ہے, بہت زیادہ ڈرائی ہے. جو آپٹیمم بائٹ تھا اس میں جو مین فلیور آیا تھا سارا کا سارا وہ سارا کیچپ کا تھا, کیونکہ اس نے بہت زیادہ کیچپ ڈال دیا. اس کا کیچپ ہلکا سا لیں. جو اسکن تھا نا یہ اسکن یہ تھوڑی کرنچی ہوتی ہے. اس کا فلیور اچھا ہے. جو چکن ہے اس میں چونکہ کوئی بھی ہم نے وہ انجیکشن نہیں کی, انجیکٹ نہیں کیا ہوا, کوئی فلیور انجیکٹ نہیں کیا ہوا, کوئی مسالہ انجیکٹ نہیں کیا ہوا, تو اندر صرف نمکین چکن کا فلیور آتا. لیگ پیس زیادہ مزے گا نا. اگر آپ نے سنگل لینا ہے کوارٹر لینا ہے تو تھائی والا پورشن لیں, چیسٹ والا پورشن نہ لیں. وہ بہت زیادہ ڈرائی ہے یار. اتنا ہوتا نہیں ہے ویسے یار ڈرائی, مطلب ہونا نہیں چاہیے. پتہ نہیں باقی چیک کریں گے دیکھیں گے, لیکن اسکن بہت اعلیٰ. مطلب یہ ہو گیا. نیکسٹ ہی ٹرائی کرتے ہیں ان شاء اللہ یہ یاسر بروس کو. جو لاہور بروس ہے نا وہ کافی پرانا ہے. کتنا پرانا ایگزیکٹلی میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے, میں بس جا کے بروس لے کے آ گیا تھا اپنا آڈر. اور جو یاسر بروس نا یہ بھی کافی پرانا ہے, مطلب دونوں آس پاس کے تھے. اور دونوں کی جو چبرجی والی برانچیز ہیں نا یہی شاید پرانی برانچ تھی. یاسر بروس کی ارارکلی والی برانچ تھی. نہیں نہیں, یاسر بروس بھائی سب سے پہلے چبرجی میں کھلا تھا نا. پہلے لاہور بروس کھلا تھا, بعد میں یاسر بروس کھلا تھا, جہاں تک مجھے جاتا مجھے پتا لگتا ہے. تو لاہور بروس جو ہے نا وہ آج تک بروس ہی ہے. اور مطلب ان کی جو مین آئٹم ہے وہ بروسٹ ہی ہے. یاسر بروس جو ہے نا یہ اب فیملی ریسٹورنٹ بن چکا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کو بہت ساری ورائٹیز ملتی ہیں. ان کی بہت ساری برانچز لاہور میں بن چکی ہوئی ہیں. اور کڑھائی بریانی اور ان کی یہ چیزیں زیادہ چلتی ہیں. بروس کی نسبت ان کی یہ بریانی اور کڑھائی بہت چلتی ہے. میری ان باکسنگ ہو گئی. یہ تو چا کر کے اس میں جو یہ تھوڑا سخت ہے, یہ دیکھو یہ تھوڑا ہارڈ ہے. یہ ونڈر بریڈ آتی ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے نا. ونڈر بریڈ آتی تھی یاد ہے. ایک بنیز کی آتی تھی, ابھی بھی آتی ہے. اور ڈان بریڈ ابھی بھی آتی ہے. ونڈر بریڈ آتی تھی. ونڈر بریڈ اب پتہ نہیں کہیں کہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہ دیکھو یہ اس کا لوگو تھا. یہ اس کا لوگو تھا. اور یہ میں خیال صرف ونڈر بریڈ شاید میں نے پہلی دفعہ دیکھی یار. کافی عرصے بعد پہلی دفعہ دیکھی میں نے. یہ تھوڑا ہارڈ ہے یار. تو مجھے لگتا ہے ادھر وٹے پائے نہیں انہوں نے یار. یہ بالکل بھی فریش نہیں ہے بھائی. یہ دیکھو فریش نہیں ہے. یہ دیکھو لگ رہا ہے پرسوں کا بن پیا سی. اور ناشتے سے سیل نہیں آیا تو ہوں سانو دیتا انہوں نے. چپس اس کے جانا گیا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن لاہور بروس اور یاسر بروس ہم نے ایک ہی ٹائم پہ لیے تھے. وہ پھر بھی کھانے کے قابل ہے. یہ تو بالکل ہی لکڑی کے چپس ہے. لکڑی کے آلو ہیں. میرے ایک دن میرے دو اتنے تھلے سیمنٹ لگا کے نا کاندھ کھڑی کر لینے دینا. اچھا اس کا بھی پہلے ہم نے لیگ ٹرائی کیا تھا. اس کا بھی لیگ وہ لیگ ہے ابھی کہ نہیں دیتا. یہ کبھی لیگ ٹرائی کر تو پھر تھائی چکلا. اس کا لیگ پیس ٹرائی کرتے ہیں. ٹھنڈا یہ بھی ہو چکا ہے, ٹھنڈا وہ بھی ہو چکا ہے. لیکن ٹیسٹ چیک ہمیشہ جو ٹیسٹ چیک ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ٹھنڈے کا چیک ہوتا ہے. اگر آپ گرم کھائیں گے نا بہت زیادہ آپ کو فلیور نہیں آئے گا. پتہ نہیں چلتا فلیور کیا. مزہ آ رہا تھا گرم گرم کھانا کھانے کا. نہ گرم کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے اور نہ گرم کھانا کھانے میں جو آپ کو ذائقہ آتا ہے. ٹھنڈے کا ہی فلیور چیک. یہ ہے جی اس کو چیک کر لیں. یاسر بروس کا لیگ کا پیس ہے. یار یہ آج سب کچھ اوریجنل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دو نمبر یاسر بروس سے آ گئے جیسے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ یہ بریانی غلط لیا تھا. یہ میں خود لے کے آیا ہوں اور پرانی برانچ سے لے کے آیا ہوں بھائی. یہ یاسر بروس کا بروس جو ہے نا اور گوشت کا بہت سخت ہے. ایون تھائی کا جو پیس ہے نا تھائی جو بھی بہت ہارڈ ہے. نمک سے زیادہ نا مسالے کا فلیور ہے. مطلب اور بھی مسالے انہوں نے لگائے ہوئے ہوں گے. جو فلیور والا تھا نا تھوڑا سا یہ ہارڈ ہے. جوسی زیادہ ہے وہ. یہ جوسی کم ہے. اور اس کی آپٹیمم بائٹ بنا کے چیک کر لیتے ہیں. یار ایک منٹ اس کا جو لیگ کا پیس ہے نا وہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہے. یہ چیسٹ کا پیس چیک کر لیتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے پتھر تھا ہونا پھر. اچھا اس میں تھوڑا سا نا اندر ہے وہ مسالہ مسولا. یہ دیکھو اس کو ٹرائی کر. یار کیچپ چھوٹا نہ پائے نظر آ جاتے ہیں. تھوڑی کیچپ ڈالا کیونکہ بہت ڈرائی ہے. چک نورس جی یہ اس کا جو ہے نا ہم کیچپ کا اس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ چپس جو ہے نا اس کے میں بن جو ہے اس کا بالکل بھی فریش نہیں ہے اور چپس بھی اس کے فریش نہیں ہے. چپس بھی بہت زیادہ ہارڈ ہو چکے ہیں. اس لیے جو ہے نا میں اس کو یہی اس کی آپٹیمم بائٹ ہے بھائی. میں مزید رسک نہیں لے سکتا.
दिस अवर थर्ड ऑप्शन ब्रोस्टर्स चिकन एंड मोर, इसको चेक करते हैं, उसके बाद एंड पे अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे जो कि मेरा और बिलाल का तकरीबन एक जैसे होगा, क्योंकि इसको भी फूड की सेंस है थोड़ी बहुत और बाकी वैसे नॉन सेंस भी है इसको। मैं डर लगता वो अच्छा ये सॉरी चल इस तरह एक ट्रे बनी हुई है ये देखो इसकी पैकिंग बनी है ऐसा ट्रे बना के दिन ओए यार नज़र आ रहा है फ्रेश है भाई उन्होंने पता से बुलाल नहीं आज आना अच्छा यार ये देखो ये शक्ल से नज़र आ रहा है मैं इसकी शक्ल चेक करूँ माशाल्लाह बहुत आला और इसके साथ जो चिप्स है ना ये अच्छा यार चिप्स पिलपिले हो चुके हुए हैं और ये विंग्स है आपको हाफ में यही चीजें चार चीजें मिलती हैं तीनों के पास हमने चेक किया उसमें भी हाफ में आपको यही मिलता है इसमें भी आपको यही मिलता है उसमें जो डाइनिंग रोल है ना वो आपको छोटे साइज के दो मिलते हैं इसमें बड़ा बन जो बर्गर वाला बन है ना आम स्टैंडर्ड बर्गर का बन है ये आपको एक आधा आधा काट के उन्होंने दिया होता है ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर और साथ में आपको उसमें केचप मिलती है इसमें आपको केचप नहीं मिलती इसमें आपको मिलती है कैचअप्स और इसमें साथ आपको मिलती है और कैचअप झींगा लाला और मजीद आपको मिलती है चिली गार्लिक सॉस और आपको मिलती है इसके अंदर साथ में और कैचअप्स और साथ में आपको मिलती है इतनी सी मायो मुझे लग रहा है इनके पास अपने लिए बची नहीं है सारी तो उन्होंने हमें दे दी क्या बात है देखे ना आगे आपने फैलाई है ऐसे करके ऐसा अच्छा कैचअप से इसको सजा दे हाँ सही इंज ला दो इंज करके कैचअप ला दो इन्हीं उन्होंने देती हैं मैंने लगता है इन्होंने वादे सन एक करके आओ वन बाय वन डिज़ाइन डिज़ाइन पूरा कर डिज़ाइन ये उनके पास ज़्यादा थी और वो जो थी ना मेरे ख्याल वो उन्होंने सारी हमें दे दी उनके पास अपने लिए भी नहीं बची है शायद नहीं नहीं खत्म हो गया अच्छा ये जो है ना हमने कैमरा थोड़ा सा पीछे किया क्योंकि आपको दिखाना है कि हमने इसको कहाँ पर रखना है ये हमने सजा दिया पूरा ऐसा करके और ये जो डब्बी आने जाएगी इस सुराख के अंदर ये बेसिकली ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ ਵੇਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਚਿਕ 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 ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜ਼ਰਾ ਚਿਕ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ 5000 ਦਾ ਰੋਡ ਆ ਚਾ ਗਏ ਨੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਤੇਰੇ 100 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ये जो चिप्स है ना ये देखो थोड़े से गले जले हुए इन्होंने हमें एंड पे जो बच्चा कुचा होता है ना वो भी साथ डाल दिया इसलिए कुछ सारा कुछ दिया तो फिर ये भी आना हाँ, था ना मैं अभी गल ठीक है ये देखें ये जला हुआ था ना ये आलू अच्छा अभी आलू ही खराब है चलो कोई बात नहीं यार उन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हमें दिया उन्होंने उस तरह से बॉक्स ही बना के दिया उन्होंने हमें कागज़ में डाल के कागज़ जो उनका होता है और साथ उसके बाद उन्होंने हमें नीचे टिशू लगा ये बटर पेपर लगाया हुआ बटर पेपर नहीं है आम सिंपल प्लेन पेपर है लत फाड़ लो तुम थाई फाड़ लो ये डिफरेंट है इसके अंदर जो है ना इंजेक्ट हुआ हुआ मसाला अच्छा ठीक हो जैसे अलबेक है ना सऊदीया में तो वो अंदर इंजेक्ट मसाला तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है ये सारा कुछ जितने भी मजीद अब आपको लाहौर में और भी मिल रहे हैं कुछ ब्रांड आपको दे रहे हैं और वो आपको क्लेम कर रहे हैं कि हम अलबेक की तरह के हम अलबेक की तरह के चाहे वैसे हों या ना हों लेकिन इन्फ्लुएंस उसी से हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये इनका चिकन है भाई ये देखो इसको जब खुलेंगे ये देखो अंदर मसाला लगा होता है ये अंदर मसाला लगा हुआ इस मसाले का भी बड़ा फ्लेवर होता है पहले खाली स्किन खा लेते हैं यार ये मजे का सीरियसली ये उन दोनों से बहुत मजे का इसको हम तोड़ के नहीं खाएंगे इसको हम चाक मारे खाएंगे देखो अंदर मसाला यार ये वाकई बहुत मजे का एड्डा सफ़र जो कराया हूँ यहीं करके इसमें ना जब ये शुरू में आया था यहाँ पे इसमें नमक बहुत ज़्यादा रहता था जो इसकी ब्रोस्ट होता है ना इसकी पहले ब्राइनिंग करते हैं तो ब्राइनिंग में इसको नमक वाले पानी में रखा जाता है वो शायद उसमें नमक ज़्यादा होता था या जो भी वजह होती थी इनका नमक ना हमेशा ज़्यादा रहता था अब जो है थोड़ा बैलेंस्ड है इसका बाय वाला क्रंच स्किन का क्रंच बहुत कमाल का है मज़े की बात है कि इसमें स्पाइस का हल्का सा टच है हल्का सा स्पाइसी है और स्पाइसी ना इस मसाले की वजह से जो अंदर मसाला है इसके उसकी वजह से थोड़ा स्पाइसी है तो इसको यार ये बहुत बड़ा यार ये कमाल है ये चक्की वाला ही कमाल चक्की बहुत अला यार अच्छा इसमें ना हल्की सी मुझे हल्की सी ना चिकन की अपनी स्मेल है या क्या है वो हल्की सी एक हमक सी जिसे कहते हैं चिकन के ऊपर ना गोश्त की हल्की सी आती है वो इसमें भी आ रही है इसकी सिंपल एक ऑप्टिमम बाइट बनाते हैं यार ये बन भी फ्रेश नहीं है भाई
ये प्रॉब्लम, ये बिल्कुल जो जिस तरह का लाहौर बन का था ना, लाहौर ब्रोस का था, वो सबसे कमाल था यार उस लिहाज से। लेकिन फ्लेवर ब्रोस का फ्लेवर ये बहुत आला है। इसको यहाँ से थोड़ा सा ये लेते हैं इसके साथ, और इसको फिर हम डिप करेंगे इनके जो स्पेशल सॉस इन्होंने हमें दिया ना, ये मायो मायो गार्लिक आई थिंक, ये इसमें डिप करेंगे ऐसे हल्की सी। ये दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ ब्रोस्टेड चिकन का ब्रोस्ट। ये मायो गार्लिक का इससे ना जो जो चिकन की स्मेल है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी आफ्टर टेस्ट में वो आ रही है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा जूसी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल उन्होंने फ्रेश बनाया है। जूसी मतलब ऑयली है, ये वैसे चिकन के जूसेज नहीं है, ये ऑयल है इसके अंदर सारा आपको नज़र आ रहा है। ऑयल की वजह से ये थोड़ा बिल्कुल क्योंकि फ्रेश बना है। वो जो है वो दोनों वो पहले से डंग करके रखा होता है उन्होंने, उन्होंने उसको मशीन में रखा होता है, वहाँ से वो निकालते हैं, ओवन में से निकालते हैं, पैक करते हैं, डाल के आपको पकड़ा देते हैं। ये फ्रेशली सारा बनाते हैं, फ्रेश बेक करते हैं उन्होंने, हाफ डन और फुल डन करके कोई नहीं रखा था। आप जब जाएंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट का जितना भी इनका टाइम है वो उसकी कुकिंग का जो इसका प्रोसेस है फ्राइंग का, उसमें वो आपको टाइम लगेगा, आपको उसका वेट करना पड़ेगा। उसकी वजह से इसको फ्रेश है, इसका फ्लेवर बहुत कमाल का। इवन जो ऑयल इसमें जो आप खा रहे हैं उस ऑयल का फ्लेवर भी बहुत कमाल का है, लेकिन है ये बिल्कुल फ्रेश। हल्की स्मेल चिकन की शायद मुझे आ रही है, इस वजह से कोई उसको बहुत ज़्यादा मैडम हम उसको मतलब कंसिडर नहीं कर सकते। और चिप्स लोअर पोस्ट आपका क्या कहना है ओवरऑल बताओ? ये है 1210 रुपये का जी, वो है 940 रुपये के, हमें फ़र्क मिलता है तकरीबन 270 रुपये का फ़र्क है। 270 रुपये का आपको फ़र्क है, लेकिन भाई 270 रुपये का आप खर्च करके ये खा ले करूँगा बंद, आप चाहे अपना साथ ले जाए। हाँ कितों आप बाजारों दी, मैं नहीं कह सकता भ्राव जी यार खाओ। इवन के जो चेस्ट वाला पीस है ना, ये देखो ये चेस्ट वाला जो पोर्शन है ना, ये भी बहुत जूसी यार। टेंडर सॉफ्ट, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि दिस इज द बेस्ट ब्रोस्ट इन लाहौर, लेकिन इन तीनों में से इन तीनों से ये ब्रोस्ट चिकन भाई जैन पैसे पूरे हो गए। स्पाइसी भी बहुत मजे का है, जो अंदर फ्लेवर आ रहा है मसाले का वो बहुत आला यार। लिल लाहौर ब्रोस्ट का बन और इसी का ये इसका चेस्ट का पीस, सीने का पीस, मैं ये नहीं कह रहा लेग का पीस, इसका सीने का पीस, लाहौर ब्रोस्ट के चिप्स, और साथ में जनाब ये है मायो गार्लिक लगाएंगे इसकी, और इसके ऊपर थोड़ी सी लगाएंगे केचप, हल्की सी लो जी ये। This is the optimum bite of Lahore Broast and Broasters का chicken, और Lahore Broast का bun, Lahore Broast के chips, Broaster की sauce और yams की ketchup. बहुत आ रहा है यार ये चीज़। लो जी हमारे पास तीनों में से जो विनर है ना वो Broaster chicken है, ये विनर है, और ये हमारे पास जो Lahore Broast है ना विनर ये भी है, क्योंकि ये प्राइस में कम है और सस्ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि फ्रेश नहीं बना होता, फ्रेश ये बनता है, ये सॉफ्ट है, जूसी है, हर तरह से जूसी है। इसका लाहौर ब्रोस का बन फ्रेश है, लाहौर ब्रोस की चिप्स बहुत अच्छी है, लाहौर ब्रोस का चिकन भी अच्छा है। बस जब कंपेरिजन करेंगे चिकन का तो ये थोड़ा सा चूंकि महंगा भी है, इसमें फ्लेवर अंदर भी इंजेक्ट हुआ है, इसमें स्पाइसेस भी बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ नमकीन है, ये थोड़ा स्पाइसी है। चटपटा अगर आपको ब्रोस खाना है तो भाई ब्रोस इज फॉर यू। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई इसके बारे में बता दें, पहले से हमने थोड़ी मजीद बेहतर करने की इसको कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो इस तरह मजीद वीडियोस हम बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रीट फूड भी वापस आएगा, स्ट्रीट फूड पे भी आएंगे इंशाल्लाह। लाहौर से पाकिस्तान से बाहर जाने का भी इंशाल्लाह इरादा है, उस पर आप दुआ करते रहे इंशाल्लाह, कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी वीडियोज़ बनाएंगे इंशाल्लाह, इन वैसे छट के जाना कोई बात नहीं, कोई दोस्त मुझे वहाँ से बुला लेगा कोई बात नहीं, कह देगा जनाब इसको भी लेके। अच्छा मेरा इरादा वैसा है इसको साथ लेके जाने का, बाकी अल्लाह खैर करे जो अल्लाह को मंजूर। तो दुआ दर तो सर भाई मैंने चलो बस। अच्छा आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, चल आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर। दिस इज माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर drinkvenus28, उस पर कोई वीडियो नहीं है लेकिन आपने उसको सब्सक्राइब करना है क्योंकि वो बिलाल का चैनल है और आप कुछ कर नहीं सकते उसको सब्सक्राइब करने के अलावा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको अपनी स्टोरी स्टोरीज पे भी लगा दिया करें। पास कर दें, मैं अल्फाज खत्म हुए तो इशारे में मुझे आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय जय दीजिए, अल्लाह हाफिज़।